ये स्नेल्स हैं। अब हम लोग स्नेल्स बनाने जा रहे हैं। इसको लाने के बाद, खड़ी लेकर आने के बाद इसको 2 घंटे पानी में छोड़ देना पड़ता है। छोड़ने के बाद इसको आप दो तीन पानी से इसको धो दीजिए, ऐसे ऐसे करके इसको धो दीजिए। धोने के बाद इसको पानी को फेंक दीजिए। ये स्नेल्स है, स्नेल्स का जो पीछे का पार्ट होता है इसको फोड़ देना पड़ता है, चाहे कि जितना हम लोग मसाला डालेंगे तो मसाला इसके अंदर घुस जाए। तो ये जो पीछे का पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग को फोड़ देंगे इसको, चाहे इसे मसाला डूब जाए। इसको ऐसे करके ये कुछ वेट वाला चीज़ इसको फोड़ने में आसानी रहेगी। ये वेट वाला चीज़ ऐसे करके जो ये 2 पार्ट है इसका आगे वाला पार्ट को फोड़ दिया जाएगा। ऐसे करके फोड़ दिया, ऐसे करके ऐसे फोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे करके सब फोड़ दिया गया है। इसको फोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, चाहे इसका जितना भी माटी होगा अंदर का सब पानी में धो जाए, निकल जाए। कम से कम आधा घंटा इसको छोड़ दीजिए। इसको आधे घंटे रखने के बाद इसको हम लोग अब हीट पर चढ़ा देंगे। इसको अब बॉईल करना पड़ेगा। इसको थोड़ी देर के लिए 30 to 45 minutes काफ़ी है। इसको ऐसे ढक देंगे, हम लोग निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको ऐसे थोड़ा चला देंगे, 10-10 मिनट में चलाते रहेंगे, ताकि इसका जो ये वाला पार्ट अच्छी तरह से निकल जाए। निकल जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये पक चुका है, हो गया है। लेकिन इसका पार्ट अभी तक नहीं निकला है। ये खुद पर खुद अलग हो जाएगा, देखिए ये हो गया है। तो थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। अब इसको थोड़ा नमक हल्दी डालने से इसका कलर आ जाएगा और नमक से थोड़ा ये जल्दी पक जाएगा, इसलिए नमक हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा। देखिए ये थोड़ा नमक है, थोड़ा सा नमक डालकर इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे। थोड़ा सा हल्दी है, ये हल्दी भी थोड़ा ऐसे करके डाल देंगे। इसको आप 10-10 मिनट में चलाते रहिए, जब तक ये निकल ना जाए। हीट को बंद कर देंगे और इसको ठंडा पानी में 2-3 बार धो देंगे इसको। ये निकल जाएगा, ये जो है पीला इसका डस्ट ये सब निकल जाएगा। पानी में इसको 2-3 बार धो देंगे। ये है, ये पानी डाल दिया है इसमें ठंडा पानी। अब इसको ये जो डस्ट है ये डस्ट पूरा ऐसे ऐसे करके करेंगे, निकल जाएगा। ऐसे करके साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसको सफ़ा थारी में डाल देंगे। अब देखिए ये जो डस्ट है इसका थोड़ा कम हो गया है। अब ऐसे करके इसको धोकर पहले से साफ़ हो गया है, इसको धोकर ऐसे इसको डाल देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसको इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा मिर्चा डालेंगे। ये टमाटर है और ये प्याज है, थोड़ा इसको छोटा छोटा पीस में काटा जाएगा, काटेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको आप पीस कर भी इसको इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। और ये मिर्चा, हरा मिर्चा है, छोटा छोटा पीस काट कर। और ये धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता लास्ट में दिया जाएगा। और ये पेस्ट है मस्टर्ड, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, तोरी लहसुन और अदवा का ये पेस्ट है। मिर्चा डालेंगे, ये मिर्चा थोड़ा प्याज डालेंगे। ये प्याज जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ये ब्राउन कलर हो गया है, गल चुका है। अब इसमें थोड़ा गार्लिक, जिंजर और मस्टर्ड का पेस्ट इसमें डाल देंगे।
जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, जब तक तेल ऊपर फ्लॉट ना करे, तब तक हम लोग इसको फ्राई करते रहेंगे। ये नमक है, नमक क्वांटिटी अनुसार डालेंगे। ये हल्दी है, हल्दी। ये मिर्चा का पाउडर है, ये जीरा का पाउडर है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये नहीं डालेंगे फिर भी हो जाएगा। ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, ये क्वांटिटी अनुसार हम लोग डालेंगे। ये हल्दी क्वांटिटी अनुसार, इसमें हल्दी थोड़ा डालेंगे, थोड़ा मिर्चा का पाउडर भी इसमें डालेंगे, धनिया पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर, ये हो गया थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, सब डाल के इसको मिक्स कर देंगे। ये जो तेल है ये फ्लॉट कर रहा है, मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे, और टमाटर डाल के टमाटर जब तक ना गल जाए अच्छे से, तब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। अभी पूरा टमाटर गल चुका है, अब ये पक चुका है। अब इसमें हम लोग स्नेल्स डालेंगे। इसको फ्राई करने पर ये अच्छा नहीं लगता है, फ्राई करने पर ये ख़राब हो जाता है, इसको लेकिन फ्राई नहीं करेंगे। ये बॉइल किया हुआ स्नेल को हम लोग इसमें डाल देंगे। स्नेल्स को मसाले से मिला देंगे, मिलाने के बाद इसको हम लोग 2-3 मिनट तक इसको ढककर रख देंगे। इसमें अब थोड़ा सा पक चुका है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, हो गया, सिर्फ इतना ही इतना पानी डालेंगे। यदि आप इसको आप वैसे ही खा सकते हैं, या थोड़ा चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसका सूप बहुत टेस्टी होता है, इसलिए हमने थोड़ा सूप बनाया है। इसका क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसमें आलू नहीं डाला है, नहीं तो इसमें आलू डालकर भी हम लोग बना सकते हैं। यदि आपका स्नेल्स का क्वांटिटी कम हो तो आलू डालकर बना सकते हैं। ये पक चुका है, ये पानी बॉईल कर रहा है। अब इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे। अब ये हो चुका है, थोड़ा धनिया पत्ता को थोड़ा सा पका कर इसको हम लोग हीट बंद कर सकते हैं। ये हो गया है, अब इसको हम उतार सकते हैं। ये अंदर का जो मीट है, ये मीट हम लोग टूथपिक से निकाल कर खा सकते हैं, या किसी भी पॉइंटेड चीज़ से इसको प्रिक करके हम निकाल कर खा सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।